विद्या कसम। तो आज हम बातें करेंगे मूवी शकुंतला देवी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ रश्मि, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। विद्या कसम। तो आइए दोस्तों, हम बातें करते हैं मूवी शकुंतला देवी के बारे में। तो मैं हूँ रश्मि, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम बातें करते हैं। विद्या बालन ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, सान्या मल्होत्रा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और अमित शाह, जो कि आजकल हर मूवी में, हर वेब सीरीज में दिख जाते हैं, उन्होंने भी छोटा ही लेकिन बहुत दमदार रोल निभाया है। ये मूवी एक सर्कल की तरह घूमते रहता है, और बेसिकली इस मूवी में ये दिखाया गया है कि मदर, यानी कि एक जो लड़की होती है, एक औरत होती है, वो एक माँ तो बन जाती है, लेकिन जब उसके कैरियर की बात आती है तो वो किस तरह से गोल गोल घूमता है। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं शकुंतला देवी का, जो कि हमें बचपन दिखाया गया है, और उस बचपन में ये दिखाया गया है कि उसके पापा जो रहते हैं वो उसको स्कूल तो नहीं भेजते, वो हमेशा से स्कूल जाना चाहती है लेकिन स्कूल तो नहीं भेजते हैं, लेकिन जैसे उन्हें ये पता चलता है कि उनकी बेटी में ये टैलेंट है कि वो नंबर सुनते ही वो पूरा कैलकुलेट कर देती है, वो उसको अलग अलग स्कूल में ले जाके शोज करा के पैसे लेते हैं। और उनकी माँ, जो कि कुछ नहीं बोलती है, जैसा कि उसके पापा बोलते हैं वो वैसा ही सुनती है, और एक बहन रहती है, बड़ी बहन, जो कि लाचार रहती है, जो कि कुछ नहीं कर पाती है, और इस वजह से उसको कहीं ना कहीं डिप्रेशन होता है कि मुझे शो तो कराया जाता है, मुझे जो पैसे मिलते हैं, लेकिन घर कैसे चलता है, उसके पापा क्या हो। तो उसका ये कहना है कि मेरी वजह से घर चलता है तो मैं घर की फादर हुई ना। एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसकी बहन की डेथ हो जाती है, जिसके बहुत ज़्यादा क्लोज होती है शकुंतला देवी, लेकिन उसके मौत के बाद ही वो अपनी माँ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि मैंने इतना पैसा कमाया, वो इलाज पे क्यों नहीं लगा, और माँ ने कुछ भी नहीं बोला। तो उसने एक माँ देखा जो कि वो कुछ नहीं बोलती थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार में घुसी रहती थी, जो भी उसका हस्बैंड बोलता था वो सुनती थी, अपनी बेटियों के लिए भी आवाज़ नहीं उठाई। इस वजह से कहीं ना कहीं शकुंतला देवी बहुत ज़्यादा अपनी माँ से नाराज होती है, और वो ये चाहती है कि मैं उस जैसी ना बनूं, मैं अपनी माँ जैसी ना बनूं, और वो अपनी पूरी लाइफ अपनी माँ से नफरत करती रहती है। और वहीं पे हम आते हैं, वो चाहती है हमेशा कि वो जब माँ बने तो एक परफेक्ट मदर बने। धीरे धीरे दिखाता है वो बड़ी हो गई है, उसका अफेयर चलता है, जिससे वो अफेयर जाता है, उसकी शादी हो रही होती है और वो धोखा दे रहा होता है, वो गोली से उड़ाती है, यहाँ तक हमें बहुत सही दिखाया गया है। लेकिन ऑल सडन हमें दिखाया जाता है कि वो लंदन पहुँच गई। यहाँ पे मूवी में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है कि भाई वो लंदन कैसे पहुंच गई, मतलब ऑल सडन आप किसी आदमी को गोली मारते हो, हाँ वो मरता नहीं है, वो हमें बताया गया है, लेकिन आप तुरंत के तुरंत लंदन पहुंच जाते हो, ऐसा कैसे। तो वो लंदन पहुंच जाती है। अब लंदन पहुंच तो गई है, जहाँ पे वो केयर टेकर, जहाँ पे वो रहती है, वो उनसे पूछती है कि तुम अगला कैसे अपना खर्चा चलाओ। अब भाई उसके पास तो एक टैलेंट है, वो है मैथ्स का टैलेंट, तो वो सोचती है कि मैं मैथ्स का शो करूँगी यहाँ पे भी, जैसे कि वो इंडिया में किया करती थी, और मैथ्स का शो करने के बाद मुझे पैसे मिलेंगे। उसने बहुत ट्राई किया और सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ा दिया, मैथ्स का शो इट्स अ जोक, तो ऐसा करके उसने उड़ा दिया। लेकिन वो जाती है, एक मैथमेटिशियन मिलती है, और उसके बाद आगे बढ़ती है कहानी। यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है, उसका स्पेन का एक आदमी जो कि उसे मिलता है, उसको ग्रूम करता है, यानी कि उसको इंग्लिश बोलना, उसको रहना, उसको खाना पीना चलना कैसे है, वो सब कुछ उसको सिखाता है। लेकिन ये सिखाते सिखाते कहीं ना कहीं विद्या बालन में एक जो ईगो आ जाता है वो, और ईगो आने के बाद उसे लगता है कि जो इंसान लड़का काम कर सकता है वो लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकती है? वो काफ़ी आगे बढ़ती जाती है, काफ़ी सक्सेस भी होती है। इसी बीच में वो आ जाती है इंडिया वापस। इंडिया वापस आते ही उसे मिलता है उसका राजकुमार, यानी कि कोलकाता में उसे मिलता है एक लड़का जिससे वो प्यार में पड़ती है, जिसके साथ उसकी शादी होती है, और शादी से पहले उसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, मुझे बच्चे चाहिए, तो वो शादी करती है। अच्छे से जा रहा होता है, और बच्चे होने के बाद जिस तरह से उसकी लाइफ होती है कि यार, मतलब
मैं सिर्फ एक माँ नहीं हूँ, मैं काम भी कर सकती हूँ। और वो अपने हस्बैंड से बोलती है, उसका हस्बैंड रेडी हो जाता है कि तुम काम करो, लेकिन वो अपने बच्चे को घर पे छोड़ के जाती है अपने हस्बैंड के साथ। अभी यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है, और ये ट्विस्ट है कि बच्चे को छोड़ के जाती है और बच्चा जो पापा के साथ अपना टाइम बिताता है, और पहला वर्ड बच्चा जो बोलता है वो पापा। और ये वर्ड सुनते ही उसको कुछ तो होता है कि मुझे तो परफेक्ट मदर बनना था, ये कैसे पापा इसने बोल दिया। और उसके बाद जो कहानी एक नया मोड़ लेते हैं, ये आप लोगों को मूवी में देखना होगा किस तरह से सान्या मल्होत्रा और विद्या बालन के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। और पूरी मूवी दिखाई गई है कि जब सान्या मल्होत्रा किस तरह से अपनी माँ से नफरत करती है, फिर प्यार करती है, फिर सारी चीज़ें होती हैं। तो गाइस ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये मूवी बहुत अच्छी है। एक माँ की स्टोरी दिखाई गई है कि एक माँ जो पूरी तरह से लाचार है, एक माँ जो पूरी तरह से एम्बिशियस है, और एक माँ जो सिर्फ अपना एक छोटा सा फैमिली और छोटा सा बिजनेस चाहती है। तो पूरी मूवी तीन माँ के ऊपर है और मैथ्स के ऊपर है। तो जिनको भी ये मैथ्स पसंद आता है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जिनको मैथ्स नहीं पसंद आता है लाइक मेरे जैसे लोग जिन्हें मैथ्स नहीं पसंद है, उनके लिए भी मूवी बहुत अच्छी है। कुल मिला के मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये मूवी है अमेजन प्राइम पे, तो आप ज़रूर देखिएगा। एंड हमारे इस रिव्यू को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू कमेंट, हिट द बेल आइकन। सो बाय बाय।